नीट परीक्षा विवाद और उससे जुड़े प्रयास की आपको बता दें, एनटीए को लेकर बनाई गई हाई पावर कमेटी की आज बैठक है। डॉक्टर के राधा कृष्णन कमेटी के चेयरमैन है, जो कि पूर्व इसरो चीफ है। एनटीए में सुधार के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। तो आज इस कमेटी की, हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक। एनटीए को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो हाई पावर कमेटी गठित की है, उसकी पहली बैठक आज होने वाली है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 लोगों की एक समिति का गठन किया है, जिसके चेयरमैन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधा कृष्णन बनाए गए हैं। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक कांड की जाँच में जुटी सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। इस केस में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीआई की दिल्ली यूनिट पेपर लीक की जाँच कर रही है। सीबीआई की टीम बिहार और गुजरात में दर्ज केसों को टेक ओवर करने में जुटी है। सीबीआई दोनों राज्यों के पुलिस से केस डायरी भी लेगी। इसके बाद बिहार में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ होगी। बिहार पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक उसने नीट परीक्षा लीक कांड में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच सूत्रों से खबर है कि नीट के मुद्दे पर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को लेकर कल एक बड़ी बैठक की है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी मौजूद रहे।